महान बोधी वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम बुद्ध के नाम से जानते हैं, गहरी साधना में बैठे हुए थे। कई दिनों से वे अंतिम सत्य निवारण की खोज कर रहे थे। उनके चारों ओर दुनिया बदल रही थी, दिन रात में बदल रहा था। पत्तों के बीच से हवाएं धीरे धीरे बह रही थी, लेकिन बुद्ध अचल बैठे रहे। उनका मन शांत था और उनका हृदय पूर्ण रूप से स्थिर। लेकिन इस शांत अवस्था में भी एक शक्तिशाली बल बुद्ध की साधना पर नजर रख रहा था। मार, माया के स्वामी, बुद्ध के निवारण की खोज को अपने साम्राज्य के लिए खतरा समझते थे। मार ने अपनी काली सेना को बुलाया, जो भय और वासनाओं से बनी थी। बुद्ध की साधना को तोड़ने के लिए जैसे जैसे तूफान बढ़ा, मार की छाया पास आती गई। मार का पहला हमला भय के रूप में आया। आकाश गरज उठा और छाया से भयानक जीव उभरने लगे। उनके विकृत और डरावने रूप बुद्ध की ओर बढ़ रहे थे। चीखते हुए बुद्ध की शांति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। फिर भी बुद्ध स्थिर बैठे रहे। उनका हृदय इस अराजकता से अछूत रहा। अचानक मार की आवाज आई, तुम भय से नहीं बच सकते सिद्धार्थ, ये तुम्हारे भीतर है। जब भय ने बुद्ध को हिला नहीं पाया, तो मार ने प्रलोभन का सहारा लिया। उसने सोने के महलों, अनमोल रत्नों और आसमान में नृत्य करती सुंदर महिलाओं की छवियां बनाई। हर प्रलोभन पिछले से अधिक मोहक था, लेकिन बुद्ध अपने गहरे ज्ञान में उन्हें पहचान गए। ये सब मात्र भ्रम थे। मार फिर बोला, ये सब तुम्हारा हो सकता है सिद्धार्थ। धन, शक्ति और सुख तुम्हारे सपनों से परे हैं। बस अपने मार्ग से मुड़ जाओ सिद्धार्थ। बुद्ध के प्रतिरोध से निराश मार ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी। उसकी सेना ने हमला किया। बोधि वृक्ष के चारों ओर आग और विनाश फैल गया। लेकिन जितना मार ने हमला किया, बुद्ध की आंतरिक रोशनी उतनी ही तेज चमकी। अंधकार को पीछे धकेलते हुए ये शक्ति का नहीं बल्कि अधिक इच्छा शक्ति का युद्ध था। मार की क्रोधित आवाज में स्वर आया, तुम हमेशा प्रतिरोध नहीं कर सकते, तुम गिर जाओगे जैसे बाकी सब गिरे। लेकिन बुद्ध ने मार को अपना शत्रु नहीं माना। क्रोध के साथ नहीं बल्कि करुणा के साथ उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, मार, मैं तुमसे द्वेष नहीं रखता, तुम केवल मानव पीड़ा के प्रतीक हो, लेकिन ये पीड़ा समझ और करुणा के माध्यम से समाप्त हो सकती है। इन शब्दों के साथ मार का स्वरूप कांपने लगा और उसकी सेना धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। जब मार ने समझ लिया कि उसकी बुद्ध पर कोई शक्ति नहीं है, वो गायब हो गया। उसे बल से नहीं बल्कि करुणा और समझ से हराया गया था। तूफान समाप्त हो गया, दुनिया शांत हो गई और बुद्ध ने अंततः निवारण प्राप्त कर लिया। बोधि वृक्ष के चारों ओर जीवन फिर से खिल उठा और सूरज की सुनहरी किरणों ने धरती को अलोकित कर दिया। बुद्ध का युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि ज्ञान और करुणा से लड़ा गया था। हमारे अपने जीवन में भी हम मार का सामना करते हैं, वासनाएं, भय और संदेह। लेकिन बुद्ध की तरह हम उन्हें क्रोध से नहीं बल्कि समझ और प्रेम से जीत सकते हैं। सच्ची शांति का मार्ग भीतर से ही आता है। संसार में हमारे जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति आए, हम उसका सामना शांति और बिना क्रोध किए कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।